छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने दुर्ग जिले का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग के साथ खास तौर पर नशे के खिलाफ जुड़े हुए कारोबारी के ऊपर कार्रवाई करने पर रहेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग जिले में बाहरी और संदिग्ध गतिविधियों पर दुर्ग पुलिस विशेष रूप से पैनी नजर रखेगी। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले की कमान नवागत पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को सौंपी गई है। बता दें कि शुक्ला जो कि बेसिक पुलिसिंग के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं और अब दुर्ग में उनकी पुलिसिंग का अनुभव लोगों के बीच आने वाले समय में दिखेगा। ये मेरा छठवा जिला है एजेएसपी, और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो दुर्ग पुलिस है जिसने अभी तक बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और उसने एक अपना मुकाम हासिल किया हुआ है, उनको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और पब्लिक के प्रति वो भरोसा अपना और बढ़ा पाएँ कि आप पुलिस के पास आएंगे तो आपको उचित और आवश्यक कार्रवाइयाँ मिलेंगी और आपका भरोसा जो पुलिस के प्रति है वो कायम रहेगा। अभी हाल फिलहाल इलेक्शन है लोकसभा के, तो तैयारियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं और जैसे विधानसभा चुनाव पूरी टीम ने मिलकर निष्पक्ष और निर्विवाद ढंग से संपन्न कराया है, कोशिश रहेगी कि उसी प्रकार से हम लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण निष्पक्ष और निर्विवाद ढंग से संपन्न करा सकें।